हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी उन सभी लड़कियों को जो कि एनडीए को ज्वाइन करना चाहती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अब यूपीएससी ने ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि इंडियन गर्ल्स एनडीए सेकंड 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको अटेम्प्ट कर सकती हैं, और आगे आने वाले भी जो एग्ज़ाम्स एनडीए के होंगे उनको इंडियन गर्ल्स भी अटेम्प्ट कर सकती हैं। लड़कियों के लिए ये बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर वो किसी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहती हैं इंडिया के अंदर। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एनडीए क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके लिए एज लिमिट क्या होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एनडीए ज्वाइन करने के लिए, और इसके अलावा बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम है क्या। एनडीए मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक्चुअली ये एग्ज़ाम एनडीए ना होकर एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम होता है, मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्ज़ाम। इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके थ्रू आप सीधा ऑफिसर पोस्ट पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रिक्रूट किए जाते हैं। अभी तक इस एग्ज़ाम को केवल मेल कैंडिडेट्स ही अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन एनडीए सेकंड 2021 से फीमेल कैंडिडेट्स भी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगी। तो अब देखते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। एनडीए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो रिटन एग्ज़ाम के लिए 15.5 से 18.5 साल के बीच में रखी गई है। मिनिमम एज 15.5 साल और मैक्सिमम 18.5 साल रखी गई है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए जो एज लिमिट है वो 16.5 से 19 के बीच में रखी गई है। तो ये तो थी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे एनडीए ज्वाइन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए सेम ही है, किसी को कोई रिलैक्सेशन इसके अंदर नहीं दिया गया है। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। एनडीए में अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी मीन्स आईएमए को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट होना चाहिए या फिर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको 12th में पीसीएम से मींस फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आप 12th पास आउट होने चाहिए, तभी आप एनडीए के थ्रू इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एनडीए अटेम्प्ट करने के लिए ग्रेजुएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एनडीए इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिससे कि 12th पास आउट्स या फिर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स सीधा क्लास 1 की जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी क्लास 1 जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ग्रेजुएशन नीडेड होती है, लेकिन एनडीए में ऐसा नहीं है। एनडीए में अगर आप 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम एनडीए के एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। देखते हैं कि एनडीए में एग्ज़ाम कैसे होता है। एनडीए एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले होता है रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है एसएसबी इंटरव्यू मींस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं हम रिटन एग्ज़ाम की। रिटन एग्ज़ाम के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है मैथ्स का, जिसमें आपसे 120 यानी 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं मींस एमसीक्यू होते हैं सारे, और
ये जो 120 क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस, ये 300 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर सही आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। और मैं आपको एक और बात ये भी बता दूं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसमें हर गलत आंसर के लिए आपको पेपर वन में 0.83 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं, मींस -0.83 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इसके बाद आता है पेपर टू। पेपर टू होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, मींस GAT। इसके अंदर 150 क्वेश्चंस होते हैं, वही सेम 2.5 आवर्स का टाइम होता है, 2.5 घंटे का टाइम होता है, लेकिन इस बार क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। पेपर वन में 120 थे, पेपर सेकंड में 150 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 600 मार्क्स के होंगे। मतलब कि हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है, जिसमें कि आपके हर गलत आंसर के लिए आपको -1.33 मार्क्स दिए जाएंगे। ये जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, ये टोटल 900 मार्क्स का होता है। अब अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका होता है SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू भी आपका 900 मार्क्स का ही होता है, और इसको रिटन एग्ज़ाम के मुकाबले काफ़ी टफ समझा जाता है। ये इंटरव्यू 5 दिन तक चलता है। इसके अंदर कुछ रिटन एग्ज़ाम्स भी इस इंटरव्यू के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अंदर और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह। अगर आप SSB को भी क्लियर कर लेते हैं तब आप NDA ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था NDA का एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात करेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, NDA ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी के बारे में हम बात करते हैं। NDA के अंदर तीनों आर्म्ड फोर्सेस, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनमें से किसी में भी लेफ्टिनेंट की सैलरी जो है वो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक हो सकती है। इसके अलावा कैप्टन की जो सैलरी है वो 61,300 से लेकर 1,93,900 हो सकती है। इसके बाद मेजर की जो सैलरी होती है वो 69,400 से लेकर 2,07,200 तक हो सकती है। ये होती है NDA के थ्रू अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी। तो ये थी NDA के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।